अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज मैं एलर्जी सेंटर आया हूँ, तो ये मेरा दूसरा विजिट है। इससे पहले मैंने जनरल एलर्जी का चेकअप कराया था, तो उसमें मिक्स प्रोटीन वाले डॉक्टर ने एलर्जी पूरी थी। तो आज मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कि देखें, सबसे पहले आप आते हैं, आप खिड़की के ऊपर से एक पर्ची लेते हैं, ठीक है। पर्ची के बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको एक जनरल मतलब ये मुख्तलिफ किस्म की एलर्जीज हैं, ये जो सारे वर्ड लिखे हुए हैं, एक जनरल एलर्जी का टेस्ट देता है, ठीक है। ये पी डी ये जितने भी हैं, ये डिफरेंट किस्म के एलर्जीज हैं। तो डॉक्टर जाके रिकमेंड करता है, फिर उसके बाद टेक्नीशियन के पास आते हैं, तो टेक्नीशियन इस तरह के वर्ड लिख के फिर उसके बाद इसके ऊपर इंजेक्ट करता है, लिक्विड सा डालता है। लिक्विड सा डालने के बाद आपको ना वो देता है, स्टिकर लगाता है इसके ऊपर, मतलब ये भी देखें, लिक्विड लगाने के बाद इसको ना हल्का सा कट लगाएगा इसके साथ, ये देखिए इसके साथ छोटा सा ब्लेड होता है इसके पास, इस ब्लेड से इसने कट लगाना है, ये देखिए हल्के हल्के कट लगा, कट लगा के थोड़ी देर छोड़ देगा, मतलब कुछ देर छोड़ देगा, फिर उसके बाद हम फिर डॉक्टर के पास जाएंगे और वो बताएगा कि क्या हुआ। अच्छा, हर दफा जब आप आते हैं तो आपको नए कलर की स्लिप बनती है। जब मैं पहली दफा में आया था तो ये देखें, डॉक्टर ने ये एक सिंपल सी वो जहाँ पे मेल रसीदे बनाते हैं, तो वहां से ये रसीद बनी थी, ठीक है। उसके ऊपर से डॉक्टर ने इसी तरह, जैसे ये चेक नहीं था, ये चेक करने के बाद उसने देखा था डॉक्टर ने, और ये मिक्स प्रोटीन वाली एलर्जी उसने कहा था कि ये वाली है, ठीक है। ये देखने के बाद मतलब वो जो सारी एलर्जी के पी डी पी एम और इसी तरह भी आपने देख रहे थे, वो लिख रहा था बंदा टेक्नीशियन, तो उसमें से मिक्स प्रोटीन वाली निकली थी। मिक्स प्रोटीन वाले के साथ उसने वैक्सीनेशन एक दे दी, ठीक है, ये वैक्सीनेशन की स्लिप दे दी। ये वैक्सीनेशन की स्लिप लेके मैं उसके साथ गया, साथ पीछे जाके एक वैक्सीनेशन बना होता है, बूथ बना होता है, वहां से मैंने वैक्सीन ले ली और वैक्सीन लेके मैं आ गया उसके साथ। वैक्सीन के साथ आपको बर्फ और बोतल भी चाहिए होती है, क्योंकि अगर गर्मियां हो तो उसको सेव करना पड़ता है। ये बैक साइड के ऊपर ना आपको वो मिल जाती है, ये बोतल वाला, बेहतर है कि आप घर से बोतल ले आए, वहां यहाँ से आपको थोड़ी सी महंगी मिलती है, उसमें बर्फ भी डालनी होती है, तो आप ये ले सकते हैं। ये देखें, ये मुझे वैक्सीन दी है इसने, ये असल में ना पहली दो तीन दफा, एक दो वैक्सीन आपकी एलर्जी डायग्नोज हो जाए तो फिर दो तीन ये वैक्सीनें चलती हैं, एक वैक्सीन तकरीबन एक हफ्ते बाद एक लगानी होती है। तो ये देखिए 10^-6, पिछली दफा 10^-6 दी थी, तो जब पहली दफा था, तो आप दूसरी दफा आया हूँ तो अभी आपने देखा होगा मेरी स्लिप के ऊपर वो 10^-5 लिखा हुआ था। तो ये होता है इसका प्रोसीजर ये होता है कि पहली डोज 0.05 की लगाते हैं, फिर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 और फिर 0.7 और फिर 0.8 और 0.8, यानी कि 12 हफ्ते लगाने के बाद फिर दोबारा जाते हैं। तो पहली दफा अगर आपको 10^-6 की थी तो दूसरी दफा 10^-5 की देंगे, ठीक है, थोड़ी सी उसकी थिकनेस ज्यादा होती है। इस तरह का छोटा सा ये जो क्या कहते हैं शुगर वाले नहीं लगाते होते इंसुलिन, तो वो वाला टीका इसके लिए इस्तेमाल होता है, आपने स्किन के अंदर लगाना होता है, ठीक है। तो पहले 0.05 उसी तरह आगे आगे चलते जाते हैं, तो ये डोज सेम रहती है, लेकिन ये है कि आपने इसमें आपकी वो जो थिकनेस वाली ना वो बढ़ जाती है। तो एक दफा अगर आपकी डायग्नोज हो जाए तो तीन दफा कम से कम, मतलब 10^-6 पहले -5, 6 लगाएंगे, फिर 5 लगाएंगे, फिर आगे इसी तरह चलते रहेंगे, मतलब एक साल के बाद दोबारा, ये देखिए 10^-5 अभी दिए, तो एक साल के अंदर दोबारा चेक कराने का कहते हैं फायदा कोई नहीं होता, क्योंकि एलर्जी इतना जल्दी खत्म नहीं होती। तो ये देखिए 10^-5 ले ली हमने, तो अभी हम इसको घर जाके लगाएंगे। ये देखें, ये पिछले वाली है, ये सारी डोजें मैंने पूरी की हुई है इसके ना, 10^-6 वाली थी। इसके साथ बेहतर है कि आप साथ साथ डेट भी लिखते जाएं तो ज्यादा अच्छा होता है, ताकि पता लगता रहे कि आपने कौन सी किस डेट को लगाई थी। तो अभी हम आपको ये वैक्सीन है, ये लगाना सीखते हैं, ठीक है।
ये वैक्सीन के साथ मैंने सरेंज लगा ली, सरेंज उतार ली, ठीक है। सरेंज के साथ अभी मैं इसको फिल करूंगा, और ठीक है, इंसुलिन भी इसी तरह लगाई जाती है, और ये एलर्जी का इंजेक्शन भी बिल्कुल एज इट इज ही लगाए। इसको हम रिक्वायर्ड लेवल पे जितना लेवल आपको चाहिए उतना फिल करेंगे, मतलब आपकी कौन सी डोज चल रही है। यहाँ आपने अगर वो दूसरा शुगर वाली लगानी है तो उसमें आपको अपना लेवल खुद पता होगा, तो पहले इसके अंदर फिल करेंगे और फिर फिल करने के बाद फिर इसको लगाएंगे। इसको फिल करते हैं, भरते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये दिखा रखिएगा, इसके अंदर वो आ जाता है वैक्यूम आ जाता है, तो वैक्यूम को बड़ा इंटेलिजेंटली क्लियर करना होता है, क्योंकि वरना वैक्यूम को क्लियर करते करते इंजेक्शन आपका जाया जाता है। तो थोड़ा सा जब इसको भर लेते हैं तो उसको ऊपर करके ना थोड़ा सा सीधा करके खड़ा करेंगे, ये देखेंगे भर लिया, ठीक है। इसके बाद फिर उसको सीधा करके इसके अंदर से हवा निकालेंगे, अगर हवा ऐसे ही निकालते रहेंगे तो फिर आपका इंजेक्शन जाया जाए। थोड़ा सा पीछे किया मैंने ताकि ये बाहर वाला ये वैक्यूम क्लियर हो जाए। वैक्यूम क्लियर होने के बाद अभी हम इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। तो ये स्किन के अंदर लगाना है। अभी देखिए लेवल हमारा पूरा जितना चाहिए था उतना आ गया, ठीक है। अगर आपके साथ कोई बनना है तो उससे भी आप स्टार्ट में हेल्प ले सकते हैं, बाद में आप हो जाएंगे, बहुत रो जाएंगे। थोड़ा सा किसी साथ वाले बंदे को कहें इसको पकड़ लें तो ये कितना सा काम होता है। आपने इसको स्किन के अंदर लगा के, ठीक है, थोड़ा सा अंदर डाल के फिर आप ये छोड़ दें, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, और फिर इंजेक्शन इसके अंदर इंजेक्ट कर दें। तो किस तरह ये इंजेक्शन लग गया, बस इतना सा काम था। तो ये आपने हर हफ्ते के बाद लगाना होता है, ठीक है। इसके बाद हमें सिरिंज को जाया कर दें। तो सही हो गया। आप करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई आपके साथ दूसरा बंदा लगाने वाला है तो उसे कहें कि वो भी आपको लगा सकता है। फिर मुलाकात होती है, फिर मानूंगा।